शनिवार को कोटा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने झालावाड़ रोड पर सिटी मॉल फन सिनेमा के सामने बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पठान मूवी के खिलाफ प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रमुख रामबाबू मालव ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान पठान मूवी, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड मुर्दाबाद के नारे लगाए व पठान मूवी में शाहरुख और दीपिका के पोस्टर जलाए। प्रदर्शन में बजरंग दल के सह प्रांत संयोजक योगेश रिंगवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदू समाज को अपमानित करने और नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर बॉलीवुड के निर्माता और एक्टर ऐसे काम करते हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो ताकि वो रोड पर आकर विरोध करें और विरोध करने से उनकी फिल्म को मुफ्त प्रचार मिले। वो चाहते थे कि फिल्म में हिंदू समाज को अपमानित किया जाए। हम केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस फिल्म को बैन कर दें। बैन होने से फिल्म को आर्थिक नुकसान होगा, तब इन्हें समझ आएगा और आगे से ये ऐसी फिल्म नहीं बनाएंगे। शहर के सिनेमाघरों को चेतावनी, किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे पठान। उन्होंने कहा कि जानबूझकर शाहरुख हकला और टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य दीपिका पादुकोण ने ऐसी फिल्म बनाई है, हम इनसे कोई और उम्मीद भी नहीं कर सकते। अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने ऐसा किया है। मैं कोटा के सिनेमाघरों के मालिकों से अपील करता हूं कि वो पठान फिल्म को न खरीदे, न ही अपने सिनेमाघरों में लगने दे। हम ये कहते हैं कि कोटा में इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि इस फिल्म को बैन करें।